सो हे गाइस व्हाट्स अप, आई एम कनेड एडिट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप आप सभी एकदम बड़े होंगे। सो गाइस आज की जो वीडियो है, आपने थंबनेल देख के इसलिए ओपन किया कि गाइस आप सभी को वीडियो में मतलब कि गाइस आगे आपको मैं कुछ ऐसे ऐसे टिप्स दूंगा कि जिससे गाइस आप अपनी फोटो एडिटिंग और भी बेहतर बना सकते हैं एंड गाइस आप अपने आप से अपने माइंड से भी एडिटिंग सो सकते हैं। तो गाइस वीडियो को पूरी एंड तक देखना, नहीं तो गाइस अगर एंड तक नहीं देखोगे तो समझ नहीं आएगा, तो एडिटिंग भी नहीं हो पाएगी आपसे। तो गाइस वीडियो को पूरी एंड तक देखना एंड गाइस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना एंड गाइस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो एंड गाइस कमेंट बॉक्स में बताना गाइस वीडियो कैसी लगी वीडियो देखने के बाद एंड गाइस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी से रेड कलर का बटन दबा दो एंड बेल आइकन को भी साथ साथ प्रेस कर लेना एंड गाइस अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाओ फॉलो करो, पोस्ट देखो एंड मैं मिलता हूं आप सभी से वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करो। सो गाइस जो फोटो एडिटिंग जो करनी होती है ना गाइस, तो उसके लिए क्या होता है गाइस कि मैं ये नहीं कहूंगा कि गाइस जो फोटो एडिटिंग जितने जो भी फोटो एडिटर है वो सभी अपने माइंड से फोटो एडिटिंग करते हैं, तो गाइस ये मैं बिल्कुल नहीं मान सकता गाइस, क्योंकि कोई भी एडिटर अपने माइंड से सोच के कोई फोटो एडिटिंग कर ही नहीं सकता, उसे कहीं ना कहीं जो चीज़ देखता है उसको देखने के बाद ही वो फोटो एडिटिंग कर सकता है। तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता होगा गाइस कि मैं भी ज़्यादातर फोटो अपनी मतलब खुद अपने माइंड से एडिटिंग नहीं करता, मैं भी गाइस किधर कहीं ना कहीं कुछ देखता हूँ एंड गाइस उससे रिलेटिव मैं उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करके उसको एडिटिंग करता हूँ। तो गाइस कॉपी करना गलत बात नहीं है, बट गाइस कॉपी उसे कहते हैं गाइस अगर जैसे आपने उसकी फोटो को देखी एंड गाइस उसको सेम टू सेम वैसे बना दी तो गाइस उसे कॉपी कहते हैं। तो गाइस और एंड गाइस हम लोगों को ना ये कॉपी नहीं करना है, हम लोगों को सिर्फ उसकी फोटो को देखना है एंड गाइस उस फोटो में देख के हमें कुछ इंप्रूवमेंट लाना है, ठीक है, ताकि हमें ये करना है कि गाइस हमारी जैसे उसकी फोटो लग रही है ना तो उसे हमें उससे अच्छी बनानी है। तो गाइस इसके लिए आप सभी को करना क्या है गाइस, जैसे कि आप विजय महार जी को देखते हो तो गाइस वो विजय महार क्या करता है कि अपनी फोटो को मतलब गाइस मूवीज से मतलब रिलेटिव जैसे गाइस फाइट वाली एक्शन वाली मूवीज होती है ना गाइस, उनमें से काफी चीजें वो देख के मूवीज में से एंड गाइस उनमें से कुछ फोटोज को एडिट करता है। तो गाइस आपको ये सोच रहे होंगे गाइस वो बैकग्राउंड पीएनजीज कहाँ से लाता है, तो गाइस ये भी बहुत इजी है, आप गूगल जो है बहुत बड़ा सर्च इंजन है गाइस, वहाँ पे आप जो सर्च मारोगे आपको ए टू जेड चीज मिल जाएगा। तो गाइस आपको जाके कोई भी मूवी का सीन देखना है जो बेस्ट से बेस्ट लगे आपको, मतलब जैसे कि आपने स्टार्ट करी कोई मूवी देख रहे हो आपको कोई पार्ट अच्छा लग गया, मतलब कोई एक्शन पार्ट अच्छा लग गया, तो गाइस आप सोच रहे हो कि अगर मैं ऐसी फोटो एडिटिंग करूँ तो कैसा लगेगा, तो भाई आप सभी को उसके लिए पता है फोटो एडिटिंग करना है कि आपको सिंपली गूगल पे जाना है एंड गाइज उस मूवी का नाम सर्च करना है एंड गाइज उस सर्च में करने के बाद गाइज उसमें आपको पूरा ए टू जेड जिसने कास्ट करा है उसमें एंड गाइज प्लेस ए टू जेड आ जाता है। तो गाइज आप उस प्लेस के बारे में सर्च मार सकते हो एंड गाइज उसकी जो जिस जगह पे आपने देखी आप वो जगह के बारे में सर्च कर सकते हो एंड गाइज जरूरी नहीं है कि आप उसको पूरा कॉपी करो, आप उसमें से जैसे अगर आपने उसमें कोई और प्लेस देखा तो आप कोई और अलग सा प्लेस भी ले सकते हो। तो गाइज वो मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप कितना दिमाग लगा सकते हो। तो गाइज यही तरीका है कि आप एडिटिंग के लिए कि मतलब किसी की कॉपी करो ये बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो एंड गाइज मैं अगर अपनी बताऊँ ना गाइज मैं पहले फोटो एडिटिंग करता था ना, तो गाइज मतलब कुछ भी जो मिलता था मैं उसी में भी अपना बैकग्राउंड इरेज करके मैं लगा देता था, क्योंकि गाइज उस टाइम में इतने कुछ दिमाग नहीं था, तो मतलब कुछ भी एडिटिंग बस ये था कि एडिटिंग पसंद है एडिटिंग करनी है तो कुछ भी बना देते थे एंड अपलोड कर देते थे। तो गाइज पहली बात आप सभी को मैं बता दूँ, अगर आपको एडिटिंग करनी है तो पहले आप सभी को इंस्टाग्राम पे जाना है, ठीक है, एंड आप जितने भी एडिटर्स को जानते हो ना सभी को फॉलो करके रखना है, ठीक है, जितने फॉलो करके रखोगे तो गाइज वो जो एडिटर्स है ना मतलब पर डे एक फोटो अपलोड करते हैं नई एडिटिंग के साथ, तो भाई आप उनकी एडिटिंग देख सकते हो, उनकी एडिटिंग में देखने के बाद आप उसमें से मतलब जैसे कि आपने उसमें से किसी की फोटो पसंद आ गई तो भाई आपको उसका बैकग्राउंड चाहिए, तो जरूरी नहीं है आपको उसका बैकग्राउंड कहाँ से ढूंढ के लाओगे या फिर गूगल में, ऐसे जरूरी भी नहीं कि यार आप कोई छोटी मोटी जगह की देख लोगे फोटो एंड भाई तो आप उसको गूगल पर ढूंढोगे तो वो तो मिलेगा नहीं, तो भाई आप उसमें आराम से उसका स्नैपचैट ऐप में जाके आप उसको आराम से उसका जो मतलब मॉडल है उसको आपको मॉडल का एरिया आराम से इरेज कर सकते हो एंड गाइज आप अपना कटआउट लगा के आप वहाँ पे फिक्स कर सकते हो एंड गाइज कलर एडजस्टिंग तो बहुत ही तगड़ी चीज़ हो चुकी है लाइटरूम ऐप के अंदर, अब आराम से ए टू जेड बहुत अच्छे अच्छे फंक्शन आ चुके हैं एंड गाइज अगर आपको उन फंक्शन के बारे में अगर कुछ वीडियोज चाहिए तो गाइज आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आप सभी के लिए वीडियो भी बनाऊंगा, तो गाइज जल्दी बताना कमेंट कर दो अभी तो एंड गाइज उसके बाद मैं बताऊँ आपको। तो गाइज जो आप सोचते होंगे कि यार फिर PNGs वगैरह ये, तो गाइज इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा गूगल पड़ा है आपके पास, आराम से दो मिनट में आपको ए टू जेड चीज़ मिल जाएगी, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं। तो भाई यही तरीका है कि गाइज हम कॉपी करेंगे तो कॉपी करने से ही इम्प्रूवमेंट आएगा, पहले कॉपी नहीं करोगे तो आगे भाई खुद भी कुछ नहीं कर पाओगे, स्टार्टिंग में कॉपी करना पड़ता है जब जाके आगे कुछ करने को मिलता है, तो भाई पहले कॉपी करो, कोई कॉपी करना कोई गलत बात नहीं है, आजकल कोई भी दूध का धुला नहीं है, हर कोई एक दूसरे की कॉपी करता है,
तो भाई मैं आप सभी को यू नहीं कहूंगा कि यार आप भी जाओ कॉपी करो, मैं आप सभी से बस एक ही चीज कहूंगा, अगर आप किसी की कोई चीज देख रहे हो ना तो उसको सेम मत करो, उसमें अपनी कुछ इंप्रूवमेंट लाओ एंड भाई उसको एडिट करो एंड गाइस फिर देखो क्या मजा होता है उसका। मतलब आपको भी लगना चाहिए कि भाई हाँ इसमें मेरी भी मेहनत है, मैं इसमें मतलब लोगों को मैं लोग मेरे को यूँ नहीं कह पाएंगे कि भाई तू ना उसकी कॉपी करता है, तो बस आपको लगना चाहिए कि हाँ मेरा भी इसमें मेहनत है, कि आप दूसरे को यूँ कह सको कि भाई इसमें ये कमी थी ये मैंने करी है खुद, या ये बोलने का मतलब मौका मिलना चाहिए आप सभी को। तो भाई यही मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, फोटो एडिटिंग करो, जबरदस्त करो, एकदम मस्त करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सभी के पास सब कुछ है, आप सभी के अंदर हर चीज़ का टैलेंट है, आराम से कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड भाई जिस जिसको अगर कुछ बैकग्राउंड PNG या कुछ भी डाउनलोड करने में अगर प्रॉब्लम आती है ना तो मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज करते करो, मैं आप सभी को सिंपली वहाँ पे जस्ट रिप्लाई करते करूंगा। एंड गाइस जो भी परेशानी होगी मैं उसका सोल्यूशन भी करके दूंगा। एंड गाइस अगर मुझे इस पर वीडियो भी बनानी पड़ी तो मैं वीडियो भी बना के दूंगा, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए है, आप जो बोलोगे तुम्हारा भाई वही करेगा। तो गाइस बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसी लगी, एंड गाइस अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो। तो गाइस मैं आप सभी से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड गाइस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो, रेड कलर का बटन नीचे दबा दो एंड मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।